हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने ये वाला लुक जो मैंने अभी यू नो वेयर किया हुआ है नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का जो वीडियो है वो मेरे जो कुर्तीज़ मैंने अपने खुद से डिज़ाइन कराई हुई हैं उनके ऊपर है। यानी मैंने कॉटन की कुर्तीज़ में समर्स में वेयर करती हूँ डेली में, एंड इधर उधर यू नो मार्केट वगैरह जाने के लिए, तो मैंने उनको थोड़ा सा अपने वे में स्टाइल कराया है। वो कैसी हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड गाइस स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये इतनी सारी कुर्तीज़ हैं एंड इनका मैं डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन बाय वन। ये टोटल 5 और 6 कुर्तीज़ हैं एंड आई होप आपको ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्लेन कुर्ती मत सिलवाइए, स्टाइलिश कुर्ती सिलवाइए एंड आप बहुत अच्छे लगने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कुर्ती मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये इस तरीके की कॉटन कुर्ती है, आप देख सकते हैं। एंड ये कॉटन का फैब्रिक है, ये ऐसे लाइनिंग में है और इस पर मैंने अस्तर यू नो लाइनिंग जो है वो लगवाई थी, क्योंकि मुझे डेली घर में नहीं पहना था, मैं इधर उधर मार्केट जाने के पर्पज से इसको बनवाया था। ये कुछ इस तरीके का पैटर्न मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न है। आगे इसमें यू नो इस तरीके का नेक बना हुआ है एंड यहाँ पे इसमें बटन्स लगे हुए हैं एंड ये ओपन होते हैं इसमें यहाँ तक, ये बटन यहाँ तक ही लगे हुए हैं और यहाँ तक ये ओपन होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हुक्स लगे हुए हैं, आप इनको इजीली ओपन कर सकते हैं, आप देख सकते हो। एंड इसमें पाइपिंग लगवाई थी मैंने गोल्डन कलर की। और ये इस तरीके की कुर्ती होती है कि आप किसी के साथ भी इसको वेयर कर सकते हो। और ये ए लाइन की कुर्तीज़ हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसमें फ्रंट में स्लिट भी है, आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे इसमें स्लिट है और ये इस तरीके का पैटर्न है और ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। और इसका राउंड नेक मैंने बनवाया था और इसकी जो स्लीव्स हैं वो 3/4 स्लीव्स हैं एंड बाकी ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसका जो मेन जो अट्रैक्शन है वो इसी नेक में ही है। और इसमें ये बटन लगे 1 2 3 4 5 बटन्स लगे हुए हैं एंड ये बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कुर्ती है तो आप अपने टेलर को बोल के ऐसा कुछ स्टिच करा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है पहनने में, ठीक है। नेक्स्ट कुर्ती जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिज़ाइन है। आप भी देखेंगे तो आप भी बोलेंगे कि यस ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है। ये फर्स्ट लुक इसका इस तरीके का है, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल प्योर कॉटन का फैब्रिक है प्रिंटेड एंड इस पे मैंने ये जो कपड़ा है ये अलग से स्टिच कराया था। इसका नेक कुछ इस तरीके का है, आप देख लो। एंड इसमें यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनने में और आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें इतने ब्यूटीफुल से 3 बटन्स लगे हुए हैं। ये 3 बटन्स हैं, ये कुछ शॉर्ट जैकेट टाइप जो है वो कुर्ती है, ये इस तरीके का है ओवरऑल। और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ये कोई लेस नहीं है, ये इस तरीके के पर्ल्स आते हैं, मोती, ये मोती हैं एंड यहाँ पे ये पाइपिंग लगी हुई है उसमें ये मोती लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये यहाँ पे जॉइंट है इसमें, ये जैकेट मतलब कोटी की तरह बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये ए लाइन फॉर्म में है और इसके जो आगे का फ्रंट का जो हिस्सा है वहाँ पे मैंने ये इस तरीके का रिबन होता है, एक आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, ये रिबन है। रिबन को इस तरीके से फ्लावर की शेप देके और बीच में एक पर्ल लगाया हुआ है और ये आगे के पूरे हिस्से में मैंने कहीं कहीं जो है वो लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एंड इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, इसकी स्लीव्स जो हैं वो मेरी एल्बो तक आती हैं एंड इस तरीके की हैं। और यहाँ पे इसमें एक ब्यूटीफुल सा कट है एंड इसकी स्लीव्स में भी मैंने इस तरीके का पैटर्न लगवाया हुआ है, ये कुछ जब पहनते हैं हम इस तरीके का आता है। और वही पर्ल्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, ये इस तरीके का है।
और ये पीछे से प्लेन है, इसमें राउंड नेक है, आप देख पा रहे होंगे यहीं से। और मैं जितनी भी कुर्तीज़ मेरी होती हैं उनके जो नेक है मैं शॉर्ट ही रखती हूँ, क्योंकि कुर्तीज़ जो है वो तभी कंफर्टेबल होती है जब उनमें डीप नेक ना हो, अदरवाइज उनमें लटकन वगैरह लगा के तो वो कुर्ती नहीं रह जाती है, फिर वो सूट ही हो जाता है। तो इसलिए मैं मेरी सारी कुर्तीज़ के जो नेक है वो बैक से स्मॉल ही होते हैं एंड फ्रंट से ये इस तरीके के, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। और अगर आप इस तरीके का डिज़ाइन बनवाओगे ना, ट्रस्ट में किसी के पास नहीं मिलेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको ये पिंक वाला कैसा लगा। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये भी बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही प्रिटी है। एंड इसका जो फर्स्ट लुक है वो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो सारे प्योर 100% कॉटन फैब्रिक है एंड ये इजीली अवेलेबल हो जाता है कहीं भी अगर आप कॉटन के क्लॉथ्स जहाँ से लेते हो। ये इस तरीके का फैब्रिक था, आप देख सकते हो कॉटन का। इसमें मैंने ये येलो जो पार्ट है, क्योंकि मुझे येलो लेगिंग पे पहनना था, या आप प्लाजो पे भी पहन सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, तो मुझे उसके साथ पहनना था, इस वजह से मैंने इसको इस पर लगवाया है। और ये जो आप देख सकते हो ये लेस है इसकी एंड यहाँ पे इसमें बटन्स, ये कुछ अंगरखा स्टाइल में मैंने बनवाया था ऐसे, आप देख सकते हो जैकेट आपको दिखाई दे रही होगी। एंड फ्रंट यहाँ पे इसमें ये बटन्स लगवाए हैं, ठीक है। और ये जैकेट यहाँ से तो ये ऐसे लगता है, मतलब अटैच नहीं है, लेकिन ये साइड से अटैच है, ठीक है, ये साइड से अटैच है, आप देख सकते हो यहाँ से इसको अटैच किया हुआ है, लेकिन ये यहाँ से ओपन है, वी नेक में है और जो सूट का जो नेक है वो राउंड है, ठीक है, आप अच्छे से देख लो। यहाँ पे इसमें हुक लगे हुए हैं, ये यहाँ पे हुक है, ठीक है, और ऊपर से बटन लगाए हुए हैं और ये नीचे इसी फैब्रिक के टैसल्स हैं जो सिर्फ शो के लिए है, ये बनती वगैरह नहीं है, बस ये शो के लिए यहाँ पे ऐसे लटकाए हुए हैं। और इसकी जो स्लीव्स है, वो इस तरीके की अम्ब्रेला स्लीव्स है, इस पे भी यहाँ पे लेस लगवाई थी मैंने और यहाँ पे इसमें इस तरह से चुन्नटें डलवाई हुई हैं एंड ये बहुत सुंदर लगता है पहन के। एंड इसके जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पे भी मैंने यहाँ पे भी लेस लगवाई हुई है, आप देख सकते हो। एंड इसका जो फुल लुक है कुछ इस तरीके का है, एंड ये भी ए लाइन कुर्ता है, यानी ए लाइन कुर्ता वो होता है जो स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा ब्रॉड होता है, क्योंकि कुर्तीज हमारी हमेशा स्ट्रेट नहीं होती, स्ट्रेट ऑलवेज सूट होते हैं, तो कुर्तीज में मैं मोस्टली इसी तरीके से बनवाती हूँ, मुझे वही कंफर्टेबल लगता है। एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। चलिए नेक्स्ट जो कुर्ती वो कुछ इस तरीके की है, ये सिंपल सी है, मतलब सिंपल भी चाहिए होता है भाई। तो ये कुछ इस तरीके का कॉटन फैब्रिक है, आप देख सकते हो एंड ये प्रिंटेड है, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है किसी भी सूट में, ठीक है। और ये भी ए लाइन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, राउंड नेक है और ये जो आप देख रहे हो ये बटन जैसे, ये एक्चुअल में बटन्स नहीं हैं, ये लेस थी, उसमें ये ऐसे सर्कल सर्कल बना हुआ था, तो वो उस लेस में से वो सर्कल पार्ट कट करके यहाँ पे मशीन से लगाया हुआ है, आप देख सकते, ठीक है, ये लेस है। तो ये ऐसे यहाँ पे ऐसे पैनल सा बनाया है एंड उस पर ये थ्री लेस को हमने एज अ बटन पेस यहाँ पे स्टिच कराया है, ठीक है। और इसका जो राउंड नेक है फ्रंट से बैक से भी, बैक से स्मॉल है, मैंने पहले ही बताया कि मेरे हर कुर्ती में स्मॉल है। इसमें थोड़ा सा स्लीव्स थोड़ी मुझे अच्छी लगती हैं, इसकी अट्रैक्टिव सी हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चुन्नटें हैं, आप देख सकते हो पफ सा आता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है। देन फिर इसकी इतनी स्लीव्स हैं और स्लीव्स में इस तरीके की चेन टाइप में कपड़े की लेस टाइप लगाई है, तो जब आप इसे पहनते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड ये सिंपल, सोबर एंड बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कुर्तीज़ में हम ज़्यादा मोती वोती या बहुत ज़्यादा एक्सेस में कुछ लगा लेते हैं उसको वॉश करने में दिक्कत आती है, तो आप इस तरीके का चूज़ करें कुछ जो सिंपल, सोबर और अट्रैक्टिव हो। लास्टली इसमें इसको थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो हमारे चाक होते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं इसको, एंड ये जो चाक हैं इस तरीके का जो स्लिट होता है हमारे सूट में, उसके यहाँ पे मैंने ये एक टैसल सा लगवाया हुआ है एंड
ये वॉश किया था तो ये इस तरीके का हो गया, अगर आप इसको आयरन करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत क्यूट सा लगता है जब हम पहनते हैं। लास्ट जो हमारे पास कुर्ती है, ये बहुत सिंपल सोबर सी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये पूरी इस तरह की फ्लोरल पैटर्न में है, इसमें मल्टी कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, राउंड नेक है इसमें, एंड लास्ट में यहाँ पे इसमें स्लिट है, खुला हुआ है मतलब, ठीक है। और यहाँ पे बस ये 3-3 करके ऑरेंज कलर के ये इस तरीके से बनाया हुआ है, बस 3 यहाँ पे लगे हैं एंड 3 यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये पाइपिंग लगी हुई है, बस इसकी स्लीव्स थोड़ी सी अच्छी यू नो फैंसी हैं। ये इस तरीके की स्लीव्स है और इसमें फ्रिल है, इसमें 3 फ्रिल लगी हुई है छोटी छोटी, 1 या 1.5 इंच के करीब की होगी, ये यहाँ पे एंड यहाँ पे, एंड बाकी ये ऑल ओवर प्लेन है। एंड ये लास्ट सूट है, कुर्ती है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।